सच सिर्फ हम दिखाते हैं। ससु प्रीत ससु प्रसन्न भवतु ओम शन्य अष्टर शतनामावली संपूर्ण ओम शन्य अष्टर शतनामावली संपूर्ण स्वाहा ओम शन्य अष्टर शतनामावली संपूर्ण स्वाहा बोल शनिदेव महाराज की जय। श्री श्री शनिश्चर भगवान की जय। बोलो श्री अगे भगवान की ओम शांति शांति शांति। आने वाली 19 मई दिन शुक्रवार जो कि जेठ मास की अमावस्या है, इस दिन भगवान श्री शनि देव जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से हमारे आसन धाम में मनाया जाएगा। और ये दिन एक ऐतिहासिक दिन होता है। पिछले वर्ष भी पानीपत की जनता ने भारी संख्या में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया था, और इस बार भी मैं आप सबसे वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं कि सब लोग मिल करके परिवार सहित आकर शनि भगवान जी का जन्म उत्सव मनाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। 5:30 बजे भगवान का श्री शनि देव जी का नवग्रह का यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद श्री शनि देव जी की कृपा से हमारे मंदिर के साथ में नवग्रह की मूर्ति स्थापना होने जा रही है। इसी दिन शनेश्वर जन्म उत्सव के दिन भगवान श्री सूर्यदेव और भगवान श्री गुरुदेव का बड़ा स्वरूप स्थापित किया जाएगा। आप सब लोग इस दिन आकर उन सब का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखो, इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया, कोई पर्ची नहीं काटी गई, कोई डोनेशन नहीं ली गई। इस स्थान को स्वयं श्री शनिदेव जी चला रहे हैं। यहाँ के प्रधान, यहाँ के कोषाध्यक्ष और यहाँ के संचालक भगवान श्री शनिदेव जी हैं। दूसरी विशेषता कि इस स्थान पर शनिदेव जी की विशेष कृपा है, अटूट कृपा है। यहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं कि यहाँ आने वाले भक्तों के पापों का नाश हो जाता है। मैं कहूँगा ये शनि देव जी का स्वयं बनाया हुआ एक बहुत बड़ा तीर्थ है। शनि देव जी बहुत दयालु, बहुत कृपालु देवता हैं। हमें असत्य से सत्य की ओर लेके जाते हैं, अशुद्धि से शुद्धि की ओर लेके जाते हैं, और शनि देव जी मोक्ष के दाते हैं। जिस व्यक्ति पर भगवान श्री शनि देव जी की कृपा हो जाती है वो सत्कर्म करता है, पुण्य के मार्ग पे चलता है और अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। मेरा ऐसा मानना है जो जो लोग यहाँ आए, जिन जिन पर भगवान श्री शनि देव जी की कृपा हुई, उनके जीवन की दिशा बदल गई। मैंने क्या कहा? उनके जीवन की दिशा बदल गई। उनका रास्ता माया से हट करके, इस संसार से हट के परमात्मा की तरफ लग गया। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या करना? मुक्ति प्राप्त करना। 84 लाख योनि से क्या होना? दूर हटके परमात्मा को प्राप्त करना। ये शनि देव जी हैं जो हमें मोक्ष के द्वार पर खड़ा कर देते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है स्थान की। यहाँ आने वाले लोगों की दिशा बदल जाती है, वो पाप कर्मों को छोड़कर पुण्य कर्म की तरफ चलते हैं और शनि भगवान जी उन्हें मोक्ष के द्वार पर खड़े कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि शनि देव जी मोक्ष के दाता हैं। शनि देव जी सृष्टि के बहुत बड़े गुरु हैं और शनि देव जी हमें पुण्य के मार्ग पर लगाते हैं। फिलहाल तो हमारे यहाँ भगवान श्री सूर्यदेव और गुरुदेव महाराज जी की मूर्ति की स्थापना होगी। जो गुरुदेव महाराज जी हैं, ये इनका नाम है बृहस्पति देव जी। ये देवताओं के कौन हैं? गुरु हैं। और इनके आशीर्वाद से भी हमारे जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। और सूर्य भगवान शनि देव जी के क्या हैं? पिताश्री हैं। सूर्य भगवान शनि देव जी के पिताश्री हैं। और सूर्य भगवान के आशीर्वाद से भी हमारे जीवन में तेज, धन, यश की प्राप्ति होती है। तो इस दिन 2 बड़ी मूर्तियों की स्थापना हमारे धाम में की जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब लोग आकर भगवान श्री सूर्यदेव और श्री गुरुदेव महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। मैंने लोगों में फ़र्क देखा, वहाँ के भक्तजनों में फ़र्क देखा,
बहुत लोग कहते हैं कि हमारा गुस्सा शांत हो गया, बहुत लोग कहते हैं हमारे घर की अशांति दूर हो गई, बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमारा कारोबार चल पड़ा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जी, जाटल रोड पे फ्लाईओवर के नीचे सावन ग्राफिक्स वाले हैं, वो अभी फ्लेक्स लगाने गए मंदिर में और बाद में आके कहते लगे मुझे कि गुरुजी कई दिनों से मेरा हाथ ठीक से काम नहीं करता था, शरीर में भारीपन रहता था। जैसे ही मैंने शनिदेव जी को माथा टेका, वहाँ बैठा और वापस आया हूँ तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। ये मैं लाइव आपको नाम बता रहा हूँ जिनके साथ ये चमत्कार हुआ है। अब आप बताओ वहाँ जाने से उनका रोग क्यों दूर हो गया? इसका मतलब वहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वहाँ पर हर शनिवार 4 घंटे का यज्ञ चलता है, यज्ञ में मंत्र जाप होते हैं, आहूतियाँ डलती हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ घूमती हैं, वहाँ लंबे समय तक सत्संग चलते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे पाप ताप का नाश करती है और हमारे रोगों का नाश करती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो इस बार भी 2 बसेस भगवान फुल होकर के संगत से भगवान के दर्शन के लिए आएंगी। और अगर संगत बढ़ जाती है, कुछ लोग हमसे कहते हैं, तो हम लोग वो अरेंजमेंट भी कर देंगे कि लोग वहाँ आएँ और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो धाम है जहाँ आने से लोगों की दिशा बदल जाती है। एक बार आओ, देखो कि इस धाम में कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। इसलिए मैं पूरे पानीपत वासियों को भगवान के जन्मदिन के लिए सबको निमंत्रण करता हूँ और सब लोग आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और वॉइस ऑफ पानीपत को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं जी।